और ससुराल वालों ने षड्यंत्र पूर्ण तरीके से, योजनाबंद तरीके से उसको मार डाला। मेरा भांजा जो है उसकी जान को खतरा है, उसकी कस्टडी में दी जाए। गेट पर देखो दखम की देखो दिखाई दो, तभी लगातार जो की भीड़ है बहुत तेजी में बढ़ने आ रही है एसपी ऑफिस अंदर में, और धक्का मुक्की इतनी ज्यादा होती है कि पुलिस प्रशासन भी अन्य रोक कौन पा रहा। जिसमें उसने ऑडियो में कहा है कि मेरे को ये मारेंगे। 7 बजे कुत्ता लग गया, रात की 12 बजे आ गया। मेरे कर दुख है बहुत ही, मन ले जा रहा है ना ठोकी है करना है। बहुत ही कुत्ती गया पता कन ठोकी तो अभी आप हनुमानगढ़ की दान मंडी में खड़े हाँ, और थे देख पा रहे हो की तरीका हूँ इन दान मंडी में है हजारों की संख्या में जकी हो रखी है। इन भीड़ को होने को कारण है भावना नाम की लड़की ही जकी डाबड़ा गांव रायसेनगर तहसील और श्री गंगानगर जिले की लड़की ही बिंगी शादी हनुमानगढ़ शरीका गांव में हुई। 3 तारीख ने बी लड़की की हत्या कर दी गई है। तो बिन न्याय त्याण खातर अटे थे जिकी भीड़ देख रहे हो दूर दूर में जगह राजस्थान पंजाब हरियाणा एकत्रित हो रही है लड़की ने न्याय दिलान खातर है। बहुत हजारों की संख्या में जगह तादाद है और पुलिस सारे निवेदन करना रही है कि माला अंदर जाके एसपी साहब से कलेक्टर साहब से सारे मिलन दे। कैमरा मैन शिव गांधी से निवेदन है कि गेट पर देखो दखम की देखो दिखाई दो, तभी लगातार जो की भीड़ है बहुत तेजी में बढ़ने आ रही है एसपी ऑफिस अंदर में, और धक्का मुक्की इतनी ज्यादा होती है कि पुलिस प्रशासन भी अन्य रोक कौन पा रहे हो। हजारों की संख्या में जबकि भीड़ है और एक गेट तोड़ गया जगह अंदर बढ़ गया और तो देख सको विजुअल देखो जा रहे हो कितनी संख्या में है जबकि भीड़ है वह अंदर पहुंच चुकी है। और मौजूद है इंटरव्यू में ये लोकल हनुमानगढ़ की भीड़ ना कहेंगे राजस्थान की पंजाब और हरियाणा की जकी है समूह जो का है लोग बाग है सारा ही है पहुंच रहा है। और अभी तो देखो कंधा कूद गए जो है पार्क में जान लगा रहे हैं नहर के अंदर जिसको हम खाड़ा बोलते हैं आपके अधिकारी यानी उसमें बच्चा भी खड़ा हो जाए ना बच्चा भी उसके भी यहाँ यहाँ पानी आता है उसके अंदर एक डील डोर वाली लेडी वो मर नहीं सकती। ये बिल्कुल सरासर 302 का मर्डर है। इसको आपने 304 खै के अंदर किसने भी किया है उसको कुछ उसने किस बना पे किया 304 खै में इंफेक्शन तो आपने लगाया नहीं नहीं वो तो चलो बच्चे थे अचानक जब खबर आई इस ये बच्चा है ये उसका छोटा भाई है 304 बी जो होती है वो 302 ही टाइप की है वो मेरे को पता मैं LLM हूँ लेकिन उसके अंदर फांसी नहीं है इसके अंदर फांसी नहीं है। और इस तरह के मामले अगर पहले मारपीट करते रहे इतने साल फिर पंचायतें होती रहे और लास्ट में उसकी ऑडियो तक रिलीज हो चुकी बच्ची की खुद की किसी एविडेंस की जरूरत नहीं उसमें किसी एविडेंस की जरूरत नहीं जब उसकी खुद की आता ऑडियो है बोल बोल के अपने आप में खुद एक एविडेंस है पुलिस ने आपको खुद को कम्युनिकेशन देना चाहिए। अभी आप बताओ 302 में माना हुआ है नहीं माना हुआ है कैसे प्रेस नोट आपने पढ़ा नहीं नहीं आपका प्रेस देखो मैडम प्रेस नोट और पेपर अलग है फाइल अलग है प्रेस नोट आप कुछ दे दो प्रेस नोट में फाइल से अलग नहीं देखो प्रेस नोट आपने कुछ दे दिया प्रेस नोट आपने कुछ दे दिया और फाइल में कुछ लिख दिया। ये हम एक आपसे पूछ रहे हैं कि जब उसने एडमिट कर लिया उस आदमी ने तो जो इसका ऑडियो है लेडी का जिसमें उसने ऑडियो में कहा है कि मेरे को ये मारेंगे और उस ऑडियो में ये कहती है कि सारा घर एक है पूरा परिवार एक है माँ उसको वो नाम लेती है मेरा ससुर और मेरी सास उसका भाई इंटरोगेट करता है उसको कि बहन अभी तो घरवाले हैं वहाँ तुम घरवालों से क्या करिए मार बोल मैं किससे कहूँ 7 बजे से लेकर 12 बजे तक पीट रहा है मुझे और मारेगा जरूर घरवाले साथ हैं वो भी साथ है और वो भी साथ है सारे साथ है। ये ऑडियो जो है ये ऑडियो पुलिस ने देखा ही नहीं बात ही नहीं की इंक्वायरी मैडम ने सुना है सुनिए मैडम चलो बढ़िया सुनिए मैडम
मैडम हमारा एक ही उद्देश्य है, उसके बाद फिर हम बता रहे हैं उनको, सभी को अरेस्ट करो प्लीज। मैं बताऊं जो हमारी भांजी पे करेक्टर का लगा रहे हैं ना, उस मनु भाव से पूछो, उसमें सुनो मैडम, वो भांजी बोल रही है ताला लगाने के लिए, किसने बोला? इन्होंने खुद, मतलब अमन चैन ने बोला। वो ताला क्यों लगाया गया मैडम, उसकी जांच करो, उसमें वो राज है। करेक्टरलेस हमारी भांजी नहीं थी, करप्ट वो घर है। मैडम उस जिठानी को और ससुर को दोनों को ले आओ, वो बोल देंगे तोते की तरह, तोते की तरह बोलेंगे वो जिठानी। बोल रहे जी ऑडियम बोल रहे, आपको दुख बयान करवा रही है, भावना रो रो के, भावना आधा घंटा रो रो के आपको बयान करवा रही है भी मने मार देगा, मने मार देगा। इंटरोगेशन में लड़का खुद मानेगा कि हमने पहले बात टब के अंदर उसको डुबाया, तीन चार पांच आदमी के करीबन साथ थे, वो मरी नहीं, कार में उसको लेके गए हैं, नहर के अंदर उसको फेंका, जब उसको ये आपको क्लियर हो गया, इंटरोगेशन में भी आ गया, आपके प्रेस नोट में भी आ गया, तो फिर 304 कह दो, कह को लगा रखी 302 में सारों को अरेस्ट करो। बात ही नहीं करेगा जो आदमी कहता है, उससे पूछते सीट पे है क्या, बोला मैं बीकानेर गया और बैठा है यहाँ, वो सच्ची नहीं बोल रहा, उससे क्या होप की जा सकती मैम, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। हम भी बात आ रहे हैं साहब, आवाज निकल रही गाना भी तो अच्छा, और क्या करना लग रही तो अच्छा, इंद्र गुगर बोला है मेरी कड़ दुख है बहुत ही, मन ले जा रहा है ठोकी ये करना है ठोकी कोनी धक्का मुक्की तो जरूर रही है, झूठ बोल लिया तू, कदे चल गई हो बजो नहीं हूँ मंदिर चलू नहीं चलू कौन मिलना फोन मैं तो ही तरह मार आ गया, मैं तो ही तरह मार आ कर दुखी करवा दे पूरे गए खाए खाए बहन से जुएरी है। अच्छा यार कल रात बड़े ठोकी गया, रात मोड़ू आयो मैं कि ना हो रविंद ने फोन मांगियो, हां तो एक बेसी मैं के मैं फोन करता है, तू जा के करे नहीं तो करा दे हूं फोन, तू ही कोनी का तू जानदा बन के रो तू, मैं तो किंग गयो ही कोनी, मतलब बिना मतलब को अरे आगे थालो की कर मरियो भाई किंग थालो बियाह मन गयो, आप झूठ बोल रहे सब, हंगला झूठ बोल रहे हंगलो घरे एक पास है रोहू रो गए, मैं तो एक पास है ऐसा, अरे किन बतावा बड़ा कोनी की करा मैं तो करा दे देना पियो रड़ा तो सके कोनी नहीं रे, मैं तुम्हारो जी करी भी करा करा मैं भी आप मन जी की बात करी मैं बाहर टपिया मैं को मैं जो थारी मां जो चनी मनहूर हो गए रान का रान बुझाण को मन निर्णय बता भाई कुकर बुझी ते महंगे और कोई इलाज को नहीं मारी रोटी नारी कर दो भाई मेरी कौन बनाई हाँ कहती मैं रोटी तुम को नहीं नारी ना हूं जमीन से रोटी नारी करो तो महंगो मन मेरे गए तो जान दो आप ही तो गए भाई इनको कारण बता कुकर रान बुझे हर गए वो काम तो मैं करण कौन दिया ऊ कौन कर दिया वो कौन कर दिया तेरा पियो रहा तो आ सके कौन नहीं गा अरे आवा जी ना थे भोला मन जो बन के इतना भोला बने बिया ए तो मैं इत तो मैं मैं तो कूट आ रही इत रही करा मेरा मुंह उच रहे एक पास हो मैं हो चल उन तो झूठ बोल दो तू आ रही वीर पूछ ले गई है के करी मेरा मेरे चोर रुपए ना तो बांधी खोल सक लेगी बस ए मेरा अड्डा फिर मन पकड़ लिया मेरा जिंदा पट्टे आ रही वीर ने तेरे ऊर खोल सक ले क्यों करना गड़ो मामा उनके पार्लर संजय फोन करूं फिर तेन पुठो करूं मैं मन के गया हूं अभी बस मेरा नाप नहीं बोल चलो मन करी अभी रिलैक्स करना है बड़ी मन गए ठोकी गानी में मिया मन अंती कुट्टी तो बतावार देख ले अंदर क्या सारी रिकॉर्डिंग है अभी
बंद हो गया मैम, धक्का मुक्की तो जरूर है, बस थोड़ी लड़ाई हो गई। चल तू कई भैया मंजी हूँ थन की कौन गुथे जो तारी बैटर का जो तारी बैठन की लोडी कौन छोर हिर पर हाथ रख दो बैठे ठोकी कान ठोकी मेरा अत्ती टोकी आमदी चाबी मांगी जिन बार मेरा चौक पर थप्पड़ ढोका तीन चार जिंदा बस वो रोमाई यार गया वो ठोक रहा हूँ कोई बात को नहीं मेरे का रिकॉर्डिंग है सारी जो ठोकी है तेरे फोटो खींच रहे जिम वाली उन तन भेज दो फोटो मैं यहाँ का व्हाट्सएप ही कौन चल रहे नहीं बंदे हो पड़े एक पास अरे वीर गए वो पड़ा गए थे मम्मा के खून काट दियो तो अभी मेरे पेपर खून डाल रहे हो मामा उदे पालने संजय ने फोन करूँ बस तेन फोटो करूँ फोटो करी नहीं मेरे ठोके अभी बात आई रोज ही बोल रहा सड़ा कूड़े मन गया मैं ठोकी का नहीं इतो झूठ बोल रहे भैया भैया भी मैं पहले यो अमन जी कितनी लड़ाई है थोड़ी घात कौन लगानो मन अत्ती कुत्ती हूँ झूठ बोल मैं तेरी सोगल ना कर मेरे पाव मेरे डो है भी मर की मेरे सोगल ना कर इन मन जी पड़े हूँ झूठ कान बोल तो दूसरे मैं बात कर मेरे बात करा तो मन जी मन गया मैं ठोकी कान विक्रम जी बस मैं तो धक्का मुक्की जरूर ही मैं तो मेरी बात कौन कराई रहा काल नहीं हूँ 7 बजे गिनो रहा कहना मन गया 2 घंटे रुक जा 10 मिनट रुक जा मेरे 1 बजा दियो तो दूसरे मैं मेरा फोन करे संजय मैंने देवानंद जी का कोई बात ही कहानी भैया झूठ बोल रहे हैं बहुत ही झूठ बोल रहे अभी जोरों ले रहा हूँ निकल जाऊंगा कोई बात को नहीं अब बात करते हैं कि 3 तारीख को पति के साथ नहर पे जा रही थी और गाड़ी नहर में गिर गई परिवार के लोग वहां आते हैं और जब स्थिति देखते हैं शरीर पे चोट के निशान देखते हैं तो निसंदेह बात सबके सामने हो जाती है और जो भी रिश्तेदार वहां आते हैं सबको समझ आ जाती है कि ये प्रकरण आकस्मिक नहीं है ये इस घटना में सामान्य घटना नहीं है बल्कि इसको कारित किया गया है और थोड़े ही समय बाद जैसे ही लोग वहां देखते हैं वहां की स्थिति देखते हैं तो बात क्लियर हो जाती है। एक दिन बाद जो ऑडियो जारी होता है बहन भावना और उसके भाई विक्रम का जो सोशल मीडिया द्वारा आप सभी के पास पहुंचा तो ये बात हमारे सामने क्लियर हो जाती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात कि जब बात डॉक्टरी बोर्ड बैठा और उसने अपनी रिपोर्ट दी तो निसंदेह प्रभावशाली लोगों के कारण वो रिपोर्ट एक सामान्य रिपोर्ट थी उसमें चोट का कोई निशान नहीं था। जब परिवार ने इसको लेकर बात की और ये बात समाज के मौजूद लोगों तक पहुंची तो समाज ने फैसला किया सर्व समाज को आह्वान किया और 3-4 दिन के अंदर अंदर ही हमने देखा कि डांडा से चली है आग मुकलावा रेडबल शहर सबवाली सूरतगढ़ पंजाब और हरियाणा में जगह जगह लोगों ने इसको संज्ञान लिया और प्रदर्शन शुरू हुए। जिस दलिंदों ने उस बेटी को एक बार आगे ही खड़ी ट्राली के अंदर उसी तरफ से उसको आगे सीट पर बिठाकर उसी तरफ से उसको ट्राली के अंदर वो मार लगाई कि ये मर जाए और मैं बच जाऊं उस दिन उस बेटी को भगवान ने बचा लिया। जो मेडिकल किया है वो डॉक्टर को डॉक्टरी करने का कोई अधिकार नहीं। राजनगर विधानसभा मेरी कॉन्स्टिट्यूसी के ग्राम 4 बीपीएम की चक की बेटी भावना जिसकी शादी 2014-15 में हुई थी शेरेका गांव के अंदर और ससुराल वालों ने षड्यंत्र पूर्ण तरीके से योजनाबद्ध तरीके से उसको मार डाला उसको न्याय दिलाने के लिए उसके परिवार को न्याय दिलाने के लिए 36 कौम के लोग बाग आज यहाँ SP साहब के यहाँ और कलेक्टर साहब को यहाँ ज्ञापन देने के लिए हमारी विभिन्न मांगे हैं। जिस तरीके से उनका 4.5 साल का बेटा है उसको भी हमने न्यायालय जाना चाहते हैं क्योंकि ऐसे गुंडे जैसे लोगों के बीच में उनका लालन पालन पोषण नहीं करना चाहते ऐसे हत्यारे लोगों के बीच में हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा ननियाल के अंदर 4 बीपीएम गांव में जाए। नंबर 1 ये मांग थी। नंबर 2 302 की धारा लगे परिवारजनों के 8 लोग उनके परिवार के सबको सब अरेस्ट किया जाए फांसी की सजा मिलनी चाहिए। नंबर 3 ये है कि वो जो पोस्टमार्टम किया है जिन डॉक्टरों ने किया है और उसमें कुछ भी छोटे छोटे नहीं दिखाई है उस पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। कितने जनों को गिरफ्तार कर लिया? 2 जनों को कर रहा है उसके हस्बैंड को और हस्बैंड के फ्रेंड को। मैम क्या कह रहे हैं? मैडम कहते हैं जांच हो रही है कि जब स्थिति स्पष्ट हो चुकी है एविडेंस साक्ष्य सब अपने आप में इटसेल्फ ऑडियो में इटसेल्फ एविडेंस है तो इन्होंने सिर्फ जो 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और ये मांगती भी जितने भी जिनके इन्वॉल्वमेंट है सभी के सभी वो गिरफ्तार हों जितना संगीन अपराध किया है उन सभी धाराओं को लगा के उन पर कार्रवाई की जाए और जो दोषी अभी हम कलेक्टर साहब से मिलेंगे जो दूसरे लोग दोषी हैं या पोस्टमार्टम में या दूसरे जिन्होंने
अपराध करने वालों का सहयोग किया है उनको भी जितना जितना उन्होंने पार्टिसिपेट किया है उनका उनको भी उनका दंड मिलना चाहिए। सर नाम क्या? बलवीर सिंह लूथरा, विधायक रायसिंह नगर। पहले तो पत्रकार बंधुओं को सहायता के लिए नमस्कार। मैं प्रधान विष्णु मंदिर समिति बुड्ढा जोड़ डावला, ये प्रकरण है 3 तारीख का, भावना बेटी को जिस दिन इन्होंने मारा था उसके बाद तुरंत प्रभाव से 4-5 तारीख को हमने ये संज्ञान में लिया और मंदिर में एक बड़ी संख्या में ग्रामीणों की मीटिंग ली। ग्राम वालों मीटिंग लेने के बाद हमने फैसला लिया, SDM महोदय रायसनगर को ज्ञापन दिया भी ये निर्मम हत्या हो गई है, इस हत्या पर संज्ञान लेके तुरंत कार्रवाई की जाए। 8 नामजद जो हमने दर्ज कराया उन सबकी गिरफ्तारी हो तुरंत। और हमें मेरा भांजा जो है उसकी जान को खतरा है उसकी कस्टडी हमें दी जाए, यही मांगे थी हमारी। और डॉक्टरों पर कार्रवाई की जाए क्योंकि निशान बिल्कुल सामने दिख रहे थे, फिर भी उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कोई भी निशान नहीं लिखा, उन्होंने सिर्फ नॉर्मल दिखा दिया कि पूरी बॉडी नॉर्मल थी, कोई निशान नहीं था बल्कि हाँ जी हाँ जी पर पूरी बॉडी पे निशान थे जिसके वीडियो फोटो सब पास में है। हरी के राय मैंने कभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओ। मैंने इजाजत दो। जय हिंद, जय राजस्थान, जय हनुमानगढ़।